सो हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एबीसी बॉयलर इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो बॉयलर में वर्क करते हैं, चाहे वो बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास अटेंडेंट हो, या हमारा जो DCS इंजीनियर होते हैं जो बॉयलर को ऑपरेट करते हैं वो हो, या हमारा पावर प्लांट के इंजीनियर्स हो, तो उन सभी के लिए ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट प्लांट के सेफ्टी से, हमारा जो बॉयलर होते हैं उसका इक्विपमेंट होता है तो उसके सेफ्टी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड सभी जो बातें होगी, जो भी इनसे इंपॉर्टेंट जो हमारा इंटरलॉक होगा, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एबीसी बॉयलर इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन। तो देखिए, इंटरलॉक का मतलब क्या होता है? आपस में जुड़ा होना। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा। ओके, तो अभी हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे, उससे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये जो इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन होता है वो क्या है। तो देखिए, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप बचपन में कहानी सुने होंगे या देखे भी होंगे कि एक राजा था और उसका जो प्राण था, जो जान था, वो एक तोते में बसता था। ठीक है, यानी कि जो राजा का जो जान था वो तोते के जान से इंटरलॉक था। यानी कि तोता को अगर कुछ होगा, तोता अगर मर जाएगा तो राजा भी मर जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ होता है इंटरलॉक। अब अगर राजा को सेफ्टी से रहना है, अब जीवित रहना है, तो ये ज़रूरी है कि जो तोता है उसको हमको सेफ्टी देना है, उसको हमको प्रोटेक्शन देना। अगर वो उसको पास अगर प्रोटेक्शन है तो राजा का भी जान भी जो है वो सही सलामत रहेगा। ओके, तो ये आप बचपन में देखे होंगे, जो लोग देखे होंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वही चीज़ होता है इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन, यानी कि जो राजा का जो जान था वो तोते की जान से इंटरलॉक था। ओके, राजा को कुछ होगा तो तोता से संबंधित नहीं था, लेकिन अगर तोता को कुछ होता है तो राजा को हो जाएगा। यानी तोता ऊपर था और हमारा जो राजा था वो नीचे था। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे हमारा जो ID फिन अगर ट्रिप होता है तो उसके नीचे सारे ड्राइव ट्रिप हो जाते हैं, लेकिन अगर नीचे वाला कोई अगर हमारा इक्विपमेंट ट्रिप होता है तो ID फिन ट्रिप नहीं होगा। ओके, क्योंकि जो ID फिन से सारे रिलेटेड होते हैं। अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, उससे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि इंटरलॉक और जो प्रोटेक्शन है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, क्या ये चीज़ है। तो देखिए, इट इज़ द सिस्टम विच हेल्प्स टू सेफ एंड रिलायबल ऑपरेशन ऑफ बॉयलर एंड प्रोटेक्ट द बॉयलर एंड इक्विपमेंट्स फ्रॉम एनी ऑपरेशनल फॉल्ट, इक्विपमेंट डैमेज एंड एक्सीडेंट। तो ये हमारा जो ये क्या है कि ये एक तरह का ऐसा सिस्टम है जो हमें मदद करता है बॉयलर को सेफ और रिलायबल ऑपरेशन के लिए। बॉयलर को सेफ और रिलायबल, उसका स्मूथ ऑपरेशन हो, स्मूथ तरीके से चले सेफ्टी के साथ, यही हमारा जो इंटरलॉक और प्रोटेक्शन का मकसद रहता है। और ये क्या करता है कि ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये जो भी इसके इंटरलॉक होते हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करता है एनी काइंड ऑफ ऑपरेशनल फॉल्ट, इक्विपमेंट डैमेज एंड एक्सीडेंट। अगर कोई ऑपरेशनल फॉल्ट हो जाता है, कोई गलत ऑपरेशन हो जाता है, तो उससे हमारे बॉयलर के में कोई भी इक्विपमेंट डैमेज ना हो, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट ना हो, उससे ये हमारा सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, हमारा बॉयलर को, हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ताकि हमारा जो प्लांट हो वो सेफ कंडीशन में रहे। तो देखिए, हमारा ये जो इंटरलॉक है वो मैंने अभी जैसे बताया कि इंटरलॉक का मतलब क्या है कि आपस में जुड़ा होना। तो हमारे जो भी जो हमारे जो ABC बॉयलर में जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं। ओके, जैसे हम लोग जो ABC बॉयलर होता है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो ID फैन, FD फैन, PFN, DCF यानी कि डायरेक्शन फीडर एंड कोल फीडर। ओके, तो ये सभी जो इक्विपमेंट होते हैं ये आपस में इंटरलॉक होते हैं। मतलब अगर हमको कोल फीडर चलाना है तो इससे पहले हमारा DCF चला होना चाहिए। अगर हमें DCF चलाना है तो हमारा जो PFN होगा वो चला होना चाहिए। अगर PFN को चलाना है तो हमारा FD फैन चला होना चाहिए, और अगर FD फैन अगर चलाना है तो हमारा ID फैन चला होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विपमेंट के आपस में इंटरलॉक। ओके, अभी हम लोग एक एक इक्विपमेंट का देखते हैं कि उसके लिए क्या स्टार्ट परमिसिव है और उसके लिए क्या ट्रिप इंटरलॉक दिया गया। ओके, तो जैसे अभी हम लोग पहले बात करते हैं ID फैन के बारे में। तो ID फैन में जो पहली जो बात आती है वो है सक्शन एंड डिस्चार्ज डैम्पर क्लोज कंडीशन। अगर हमें ID फैन को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमारा जो इसका जो सक्शन डैम्पर होता है और जो डिस्चार्ज डैम्पर होता है वो क्लोज कंडीशन होगा। अगर क्लोज होगा तभी हमारा ID फैन स्टार्ट होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ड्रम लेवल ओके। तो ड्रम लेवल ओके होना चाहिए। ओके मतलब कितना होना चाहिए, तो 20 के नीचे नहीं होना चाहिए और 80 के ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, अगर इन दोनों के बीच में अगर जैसे मान लीजिए 25 है, 30 है, 35 है, 40
केस है तो अगर इतना है तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारा ड्रम प्रेशर है वो 45 से 50 के बीच में रखते हैं। ओके, तो ये जो ड्रम लेवल है इसको हम लोग क्यों इस तरह से क्यों यहाँ पे इंटरलॉक दिया गया है, अगर 20% से नीचे हो जाएगा तो क्या दिक्कत है और 80% पे ऊपर हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। देखिए इसको समझते हैं अभी। तो अभी हम मान लीजिए हमारा ड्रम लेवल किसी भी कारण से रनिंग बॉयलर है और उसमें हमारा ड्रम लेवल अगर लो हो जाता है तो क्या होगा, ड्रम से ही वाटर सारे पैनल में जा रहे हैं, वाटर वाल हुआ, सुपर हीटर हुआ, वहाँ से जो भी स्टीम जनरेशन होता है वहीं से जाता है। लेकिन अगर मतलब ड्रम क्या है, वो हमारा सोर्स ऑफ वाटर है, तो अगर हमारा ड्रम में वाटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, पूरा हमारा वाटर वेल खाली हो जाएगा और फिर जो स्टीम जनरेट हो रहा है वहाँ से वो स्टीम वहाँ पे जा नहीं पाएगा जो भी हमारा सुपर हीटर में जा रहा। तो एक तरह से क्या होगा कि वाटर की कमी हो जाएगी, और वाटर की कमी होगी तो क्या होगा कि हमारा जो जितने भी सारे वाटर वाल है या सुपर हीटर के ट्यूब है वो ओवर हीट होगा। इसी को हम लोग, जो ये वाटर की कमी हो जाती है इसी को हम लोग स्टारवेशन होता है। तो अगर हमारा ड्रम लेवल लो की तरफ चला जाएगा तो स्टारवेशन होने का खतरा होता है। ओके, और अगर हमारा हाई चला जाता है, अगर 80% के अभव जाएगा तो क्या होगा, तो ये अगर 80% के अभव जाता है तो ये चांस होगा कि हमारा स्टीम के साथ वाटर ड्रॉपलेट भी आपका सुपर हीटर में चले जाए। अगर वाटर ड्रॉपलेट चले जाते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट में जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है, जो भी आपके कंटामिनेंट्स है, वो भी चले जाएंगे। और जब वाटर पार्टिकल जाएगा और वहाँ पे सुपर हीटर में जब वो स्टीम में ही जब वो हीट ट्रांसफर होगा वहाँ पे और स्टीम में वो कन्वर्ट होगा तो क्या हुआ, वो एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करेगा तो एक तरह का हैमरी होगा, जो भी कंटामिनेंट्स गए हैं वो वहाँ पे, जो भी सिलिका पार्टिकल्स है वो जो गए हैं सब वहाँ पे डिपॉजिट होंगे, और उसी के द्वारा हमारा टर्बाइन ब्लेड में भी सिलिका का डिपोजिशन होने का खतरा होता है। तो ये सब हमारा ना हो, ऐसी घटना ना हो, इसलिए इस पे भी एक इंटरलॉक दिया रहता है ड्रम के लो लेवल पे और हाई लेवल पे। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आईडी फैन बियरिंग टेम्परेचर नॉट हाई। अगर मान लीजिए कि अगर आईडी फैन का बियरिंग टेम्परेचर जो है फैन का अगर वो हाई होता है तो उसमें भी ये हमारा जो आईडी फैन है वो ट्रिप हो जाएगा। अब जो चौथा चीज़ है वो है आईडी फैन मोटर बियरिंग टेम्परेचर नॉट हाई। जो अभी ये आईडी फैन का बियरिंग हो गया और आईडी फैन का जो मोटर का होता है तो मोटर का भी जो बियरिंग टेम्परेचर होता है चाहे एनडी साइड हो या ड्राइव साइड हो यानी कि डी साइड हो, तो दोनों में आपका फैन में भी ड्राइव साइड होता है और एनडी साइड होता है यानी कि नॉन ड्राइव, और मोटर में भी होता है, तो दोनों का जो टेम्परेचर है उसका हाई ना जाए उसके लिए प्रॉपर कूलिंग सिस्टम दिया रहता है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है फर्नेस ड्राफ्ट शुड बी ओके। तो फर्नेस ड्राफ्ट ओके होना चाहिए, और इसका जो रेंज रहता है वो कितना रहता है तो प्लस माइनस 50। अगर मान लीजिए 50 के नीचे जाता है तो क्या होगा, हमारा बॉयलर जो है वो इम्प्लोजन होने का खतरा यानी कि सिकुड़ने का खतरा रहता है। तो और अगर मान लीजिए हाई की तरफ जाता है प्लस 50 के अबव जाता है, प्लस 50 MMWC के ऊपर जाता है तो क्या होगा, हमारा बॉयलर में क्या होगा कि बॉयलर पूरी तरह से प्रेशराइज होगा। प्रेशराइज होगा तो क्या होगा, सारा हमारा जो फ्लू गैस है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अगर उसको जगह नहीं मिला प्रॉपर तो वो बॉयलर को एक्सप्लोजन भी कर देगा। तो ऐसी घटना ऐसा मतलब दुर्घटना, बुरी तरह का दुर्घटना ना हो, इसलिए फर्नेस ड्राफ्ट पे जो ये इंटरलॉक देना काफ़ी ज़रूरी होता है, और ये इंटरलॉक दिया रहता है प्लस माइनस 50 पे। ओके, तो ये हो गया हमारा आईडी फैन से रिलेटेड। अब इसमें कोई भी अगर चीज़ हमारा पैरामीटर डिस्टर्ब होता है तो हमारा जो आईडी फैन है वो ट्रिप हो जाएगा, और अगर आईडी फैन ट्रिप होगा तो उसी से सीक्वेंस में ये रहता है, पहले हम लोग क्या करते हैं आईडी फैन स्टार्ट करते हैं, फिर एफडी फैन स्टार्ट किया जाता है, फिर पीएफ फैन स्टार्ट किया जाता है, फिर डीसीएफ स्टार्ट किया जाता है, फिर कोल फीडर स्टार्ट किया जाता है। तो इस तरह का यहाँ पे इंटरलॉक, यहाँ पे स्टार्टिंग का सीक्वेंस दिया रहता है। ओके, तो जब हमारा आईडी फैन इस किसी भी कारणवश से अगर ट्रिप हो जाता है यानी कि बंद हो जाता है तो इसके साथ जो भी इसके साथ सीक्वेंस में है वो सभी ट्रिप हो जाएगा। तो अभी हम लोग आईडी फैन को देख लिए, अब एफडी फैन को देखते हैं। तो देखिए एफडी फैन में क्या है कि इसमें भी ठीक कुछ चीज़ें हैं वो सेम रहती है, तो जो सेम चीज़ है इसके सामने में मैंने इसको यस का टिक दे दिया है, ठीक है, तो ये सब सेम है, ठीक है, तो इसीलिए इसको टिक दिए हैं, ज़्यादा लिखे नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एफडी फैन में है उसमें भी वही चीज़ है कि सक्शन और डिस्चार्ज टेम्पर जो है वो बंद होना चाहिए, तभी इसको स्टार्ट परमिशन मिलेगा, तभी हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड जो चीज़ है, एफडी फैन को चलाने के लिए हमारा कोई भी एक आईडी फैन चला होना चाहिए, अगर दो आईडी फैन है तो कोई भी दोनों में से एक आईडी फैन चलेगा। अब जो नेक्स्ट है वो है आईडी फैन एंड मोटर बियरिंग टेम्परेचर नॉट हाई। तो इसमें भी वही चीज़ है कि आईडी फैन का जो फैन है और जो मोटर है उसका डी और एन डी साइड का जो टेम्परेचर है वो हाई नहीं होना चाहिए, अगर हाई होता है तो हमारा ये एफडी फैन ट्रिप हो जाएगा, और इसके साथ भी जो सिक्वेंस में है वो भी ट्रिप हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग एफडी फैन को देख लिए, अब हम लोग देखते हैं पीएफ फैन को, ठीक है, क्योंकि एफडी फैन के बाद हम लोग पीएफ फैन स्टार्ट करते हैं।
तो अब PFN को स्टार्ट करने के लिए भी वही चीज़ है, इसका सक्शन और डिस्चार्ज जो है वो क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, तभी इसको स्टार्ट परमिशन मिलेगा। फिर इसमें क्या है कि इसको अगर स्टार्ट करना है तो हमारा कोई भी एक ID फैन और FD फैन रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है, तभी ये स्टार्ट होगा। अगर इन दोनों में से अगर कोई भी स्टार्ट नहीं है तो हम PFN को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, इसको स्टार्ट परमिशन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और फिर इसमें भी वही चीज़ है, जो PFN का जो फैन और मोटर का जो बियरिंग टेम्परेचर होता है ड्राइव और नॉन ड्राइव साइड का, वो हाई नहीं होना चाहिए, अगर हाई होगा तो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ जो भी सीक्वेंस में होंगे वो सारे ट्रिप हो जाएंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है DCF यानी कि डायरेक्शन फीडर, जिसके थ्रू होकर कोयला जो है वो फर्नेस में जाता है। तो अगर हमको वो स्टार्ट करना है तो सबसे पहली बात है कि हमारा जो PA है वो चलते रहना चाहिए, यानी कि कोई भी एक PA जो होगा वो रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। और हमारा जो विंडबॉक्स कंपार्टमेंट डैम्पर है, जो PA का जो सारे लाइन है उसके जो डैम्पर है वो ओपन कंडीशन में होना चाहिए, यानी कोयला देने से पहले हम लोग का PA जो लाइन है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों रहेगा तभी हमारा जो DCF है वो स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद जो सीक्वेंस आता है, अब हम लोग कोल फीडर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे कोल फीडर को परमिशन मिलेगा, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो हमारा DCF जो है वो रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा कोल फीडर स्टार्ट होगा। और ये कोल फीडर किस कारण से ट्रिप हो सकता है, तो इसमें भी एक इंटरलॉक दिया रहता है जो कि बेड टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो बेड टेम्परेचर अगर किसी भी कारण से अगर हमारा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाए, उसके अबव हो जाए, तो हमारा जो कोल फीडर है वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो यही इस तरह से हमारा जो है इंटरलॉक दिया रहता है, यानी कि हम लोग देखें कि कोल फीडर अगर स्टार्ट करना है तो हमारा DCF रनिंग होना चाहिए, अगर DCF रनिंग करना है तो हमारा PFN चालू होना चाहिए, PFN चालू करना है तो हमारा FD फैन और ID फैन चालू होना चाहिए, FD फैन चालू करना है तो हमारा ID फैन चालू रहना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ कि अगर हमारा ID फैन ट्रिप होगा तो ये सारा ट्रिप होगा, और अगर हमारा कोल फीडर ट्रिप होगा तो ये सारा ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि सीक्वेंस इधर से है, स्टार्ट हम लोग इधर से करते हैं, ID, FD, PA, DCF, कोल फीडर, ठीक है। तो इसलिए जब भी कभी हम लोग बॉयलर बंद करते हैं या हॉट बॉक्स अप करते हैं तो इधर से हम लोग बंद करते जाते हैं उल्टा डायरेक्शन में, कोल फीडर को पहले बंद करेंगे, फिर DCF, फिर PA, फिर FD और एज पर रिक्वायरमेंट ID को कम करते हैं, ठीक है। तो यही हो गया हमारा इंटरलॉक। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के कुछ नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।